ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ 90% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, लेकिन कुछ अरसे से प्रदेश आवारा पशुओं की समस्या से जूझ रहा है। गांव हो या फिर शहर, हर जगह आवारा पशुओं का जमावड़ा देखने को मिलता है। एक और जहां सड़कों पर घूम रही आवारा गाय से दुर्घटना का अंदेशा हर वक्त बना रहता है, वहीं दूसरी ओर आवारा घूम रही गाय ने किसानों की फसल तबाह करके रख दी है, जिसकी वजह से किसानों ने परेशान होकर अधिकांश जगह पर तो फसल बीजना भी बंद कर दिया है। हिमाचल प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ 90% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, मगर कुछ अरसे से प्रदेश आवारा पशुओं की समस्या से जूझ रहा है। गांव हो या फिर शहर, हर जगह आवारा पशुओं का जमावड़ा देखने को मिलता है। एक और जहां सड़कों पर घूम रही आवारा गाय से दुर्घटना का अंदेशा हर वक्त बना रहता है, वहीं दूसरी ओर आवारा घूम रही गाय ने किसानों की फसलें तबाह करके रख दी हैं। प्रदेश में सत्ता में रहे तमाम राजनीतिक दल चुनावों के ऐन वक्त पर प्रदेश के किसानों को सत्ता में आने पर आवारा पशुओं से निजात दिलाने की बातें करते हैं, मगर सत्ता में आते ही सब कुछ भूल जाते हैं। उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में आवारा पशुओं का कहर सिर चढ़कर बोल रहा है और किसानों व आम जनता का जीना हराम हो गया है। इसके समाधान के लिए ओरिएंटर फाउंडेशन की संस्थापक जबना चौहान ने प्रदेश सरकार से सभी किसानों की पशुओं का पंजीकरण करवाने की मांग की है। जबना चौहान का कहना है कि जब तक सरकार किसानों की पशुओं का विधिवत रूप से पंजीकरण करवाना सुनिश्चित नहीं करेगी, किसान व प्रदेश की जनता इस समस्या से जुड़ती ही रहेगी। वहीं किसानों का आरोप है कि समस्याओं को लेकर सरकार व प्रशासन से बार बार आग्रह करने के बावजूद भी इसका कोई स्थायी हल नहीं निकल पाया है।